में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, आज सवेरे के इस बेहद खास अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। और सबसे पहले हम एक नई पहल के साथ शुरुआत कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं सबसे पहले नया सवेरा में आज का सुभाषित सुविचार। हातव्या भूति मेच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। आत्म कल्याण के इच्छुक पुरुष को इस संसार में निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता यानी हर काम में देर करना, इन छह दोषों का परिहार करना चाहिए। A man wishing for welfare in this world should avoid these six faults: sleepiness, slothfulness, timidity, anger, idleness and procrastination. और इसी शुभ विचार के साथ आंचल डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अगले एक घंटे में होंगी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें, बताएंगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे के बारे में आज के, और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय ड्रोन शक्ति जो प्रदर्शन है 2023 का आज उद्घाटन करेंगे। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है खेलों से जुड़ी हुई, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने जीत लिया है स्वर्ण पदक और साथ ही कांस्य पदक पर भी अपनी जीत हासिल कर ली है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले आंचल सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और राजस्थान का करेंगे दौरा। भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ में पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का करेंगे उद्घाटन। परिवहन विमान C-295 को वायुसेना में औपचारिक रूप से करेंगे शामिल। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष शिवसेना शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर होनी है सुनवाई। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगी सुनवाई। नासा के अंतरिक्ष कैप्सूल ओसिरिस रेक्स ने रचा इतिहास। 7 साल बाद एस्टेरॉयड वेनू से नमूना लेकर धरती पर उतरा। 4.5 अरब साल पुराने नमूने का नासा करेगा अध्ययन। एशियाई खेलों के दूसरे दिन भारत ने जीता पहला स्वर्ण पदक। पुरुष के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में देवयांश पवार, रुद्रांश पाटिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की तिकड़ी ने जीता स्वर्ण। रोइंग के मेंस 4 टीम ने जीता कांस्य पदक। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बारिश से बाधे दूसरे वनडे मैच में 99 रन से हराया। तीनों मैचों की सीरीज में ली 2-0 की बढ़त। तो नया समय में सबसे पहले देखते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें और बात करते हैं प्रधानमंत्री के आज मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर, जहां भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं, देखिए इससे जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट।
भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बहुत खास होगी। इसमें पार्टी के प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस महाकुंभ के साथ ही प्रदेश भर में सितंबर के पहले हफ्ते से निकाली गई 5 जन आशीर्वाद यात्राओं का भी समापन हो जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को प्रदेश में मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। करीब 10,880 किलोमीटर की इस यात्रा में 223 विधानसभा सीटों को कवर किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। का सौभाग्य के श्रद्धेय मोदी जी कल मध्य प्रदेश में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है और उस महाकुंभ में हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन वैश्विक नेता का मिलेगा। पलक पावड़े बिछाकर सभी कार्यकर्ता और जनता मोदी जी के स्वागत के लिए, वंदन के लिए, अभिनंदन के लिए आतुर है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से 25 IPS अफसर उसमें तैनात किए गए हैं। SPG, NSG की टीमें आ चुकी हैं और उन्होंने भी व्यवस्था संभाल ली है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर 4,000 से ज्यादा जवानों को शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भोपाल के जंबूरी मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता एक साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन सकेंगे। बीजेपी की ओर से कोशिश की जा रही है कि कार्यक्रम में पहुंचे लाखों कार्यकर्ताओं में एक जोश जागृत हो। मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति सभी से आह्वान कर रहा हूं, चलो भोपाल 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर महाकुंभ होने वाला है। 2023 विधानसभा चुनाव का संक्रांत होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का हम सबको संकल्प दिलाएंगे। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। दीपक जैन की रिपोर्ट, DD News भोपाल। और प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे से लेकर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। भोपाल से हैं दीपक जैन और अजीत द्विवेदी। दीपक और अजीत, आप दोनों का स्वागत और सुप्रभात। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अजीत, किस तरीके की अपडेट है आपके पास? 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें जुड़ने जा रहे हैं और देखें तो मध्य प्रदेश का ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, वो 45 दिनों में तीसरी बार हो रहा है, तो क्या इसको माने कि आज चुनाव का विजय मंत्र आज प्रधानमंत्री देंगे कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मंत्र देंगे और सफलता का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री, जो कि बहुत ही कम समय जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बचा हुआ है और उम्मीद है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में जो है आचार संहिता लग जाएगी, उसके पहले ये बड़ा एक कार्यकर्ता महाकुंभ जो है वो आयोजित किया गया है, जिसमें कि बीजेपी का दावा है कि पूरे प्रदेश भर से करीब 10 लाख से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे और ये कोशिश होगी बीजेपी की कि इस कार्यकर्ता महाकुंभ के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, उनको उत्साहित किया जाए और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम यहाँ पर इसलिए रखा गया है। और प्रधानमंत्री जब भी कार्यकर्ता को संबोधित करते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश और उत्साह जो है वो नजर आता है। और हमने देखा कि पिछले चुनाव भी मध्य प्रदेश में, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हुई हो या लोकसभा चुनाव हुए हो, वहां पर प्रधानमंत्री की जब रैलियां हुई है तो उसका बहुत ज्यादा असर जो है वो देखने को मिला है कार्यकर्ताओं में। और बीजेपी की कोशिश है कि जो 65,000 से ज्यादा बूथ है, हर बूथ लेवल से जो कार्यकर्ता है वो इस महाकुंभ में यहां पर पहुंचे और कोशिश की जा रही है कि पूरा जो मध्य प्रदेश है उसके तमाम जिले जो है वहां के कार्यकर्ता जो है वो कवर हो सके, वहां कार्यकर्ता जो है इसमें शामिल हो सके। एक बड़ी बात और है कि यहां पर बीजेपी जो है करीब 3 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी और करीब मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों के मालवा, निमाड़, महाकौशल, विंध्य क्षेत्र, ग्वालियर, चंबल, तमाम जगहों से ये यात्राएं निकली थी। चित्रकूट से इसकी शुरुआत जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी 3 सितंबर को और वो यात्राएं जो है वो समाप्त हो गई हैं और वो जो 5 रथ हैं वो भी यहां पर आएंगे और उसका भी औपचारिक जो है समापन यहां पर होगा। इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी ने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश की जो 230 में से 223 जो विधानसभा सीटें हैं
उसमें जो है कार्यकर्ता को मोबिलाइज किया जाए, वहां पर लोगों से संपर्क साधा जाए। और ये बीजेपी का दावा है कि करीब 10,800 से ज्यादा किलोमीटर की जो ये यात्रा रही है, इसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से संपर्क किया गया है और करीब इस यात्रा के माध्यम से 20 लाख से ज्यादा जो नए बीजेपी के जो वर्कर्स हैं जिन्होंने पार्टी जो है ज्वाइन की, जिसमें की बड़ी संख्या जो है करीब 65% जो संख्या है वो महिलाओं की है। तो देखिए बीजेपी लगातार इलेक्शन मोड में है और कोशिश है कि इस यात्रा के माध्यम से, इस महाकुंभ के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए और जो लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश जो है बीजेपी ने इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से की है, जिसमें कि केंद्रीय नेतृत्व की खासी नजर रही है और लगातार जो है स्थानीय से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक जो है उसमें शामिल होता रहा है, बड़े केंद्रीय मंत्री जो है पूरी यात्रा में शामिल होते रहे हैं। तो बीजेपी की कोशिश है कि एक ग्रास रूट में जमीनी स्तर पर जो है कार्यकर्ता तक पहुंच बनाई जाए, आम लोगों तक पहुंच बनाई जाए और जो तमाम जो जन कल्याण की योजनाएं जो सरकार ने चलाई है उन योजनाओं के माध्यम से लोगों को उनको अवगत कराया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में देश में, प्रदेश में, केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन बदला है और डबल इंजन सरकार किस तरह से लोगों के जीवन को बदलती है, सफलता भी पाई है। और यही जी डबल इंजन सरकार किस तरह से लोगों के जीवन को बदलती है ये मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है। और इसी पर एक टेक लेते हैं, दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, क्योंकि यहाँ पर हम जनसंपर्क की बात कर रहे हैं और बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, किस तरह से कार्यकर्ता खास तौर से युवाओं, महिलाओं को जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाते हैं वो लगातार हमने इन जनसंपर्क यात्राओं से और खास तौर से इस तरह के महाकुंभ में होते हुए देखा है। आज भी इसी की तस्दीक देखने को मिलेगी। देखिए, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर जो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम जो है एक एक यूथ के लेवल के कार्यकर्ता से संवाद किया था, उस कार्यक्रम के बाद से एक जो नया जोश था वो पूरे मध्य प्रदेश हो या पूरे देश भर के जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में बैठ गया था। और यही कारण है कि आज ये जो कार्यकर्ता महाकुंभ है इसमें 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के यहाँ पर पहुंचने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। और मैं सुबह से ही यहाँ पर लगभग सुबह 4 बजे से मैं देख रहा हूं कि जो गाड़ियां हैं उनसे कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, बाइकों से, बड़ी बड़ी रैलियों के माध्यम से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच रहे, जो उत्साह है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो यहां पर पहुंचा है और खास तौर पर उस चीज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए पहुंचा है जो 33% आरक्षण दिया गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जिस जनसंपर्क या जिन जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से लोगों से जुड़ने की जो हम बात कर रहे हैं उससे यहां पर हो रही है। और उसी का एक सबसे बड़ा परिणाम है कि ये जो कार्यकर्ता महाकुंभ है एक बहुत विशाल कार्यक्रम के रूप में, एक बहुत विशाल सम्मेलन के रूप में यहां पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री अब से ये कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे लेकिन यहां पर लोगों का उत्साह जो है वो कहीं कम नहीं है। लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री को सुने, कैसे जनता के बीच में जाना है, कैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने पक्ष में करना है, कैसे जन जन तक जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाना है, इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जब यहां पर इन कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे, इन लोगों को मंत्र देंगे तो ये लोग उसके लिए काफी ज्यादा उत्साहित है। विशेष तौर पर अगर देखें तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी हो या जनसंघ हो उनके पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती भी है तो ऐसे में उनको श्रद्धांजलि देना और उनकी श्रद्धांजलि के साथ ही यहां से इस पूरे महाकुंभ से जो चुनावी रणभेरी है उसका आघात जो है वो आज यहां पर होने वाला है। बिल्कुल, तो चुनाव के शंखनाद की उल्टी गिनती और साथ ही साथ ये जो जनसंपर्क है इसके लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं जब वो लोगों से संवाद और मन की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका भी और दीपक आपका भी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए और आगे भी हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल डीडी न्यूज के नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैकेज सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले भोलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है
आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न्स से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जाँच व इलाज मुफ्त है। मैके जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है। पहली यात्रा को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 सितंबर को रणथंभौर सवाईमाधेपुर से और दूसरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 सितंबर को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम से हरी झंडी दिखाई थी। तीसरी यात्रा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 सितंबर को जैसलमेर के रामदेवरा से शुरू की थी और चौथी यात्रा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 5 सितंबर को हनुमानगढ़ से शुरू की थी। भाजपा की 4 परिवर्तन यात्राओं ने राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है। यह सभा जयपुर के भांकरोटा से शिवदासपुरा की ओर जाने वाले रिंग रोड पर स्थित टोल के पास दादिया गांव में होगी। पीएम मोदी दोपहर बाद जयपुर पहुंचेंगे, इसके बाद वे जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री जयपुर के पास धानकिया गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी देंगे। और जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा के लिए जयपुर की महिलाओं ने पीले चावल घर घर बांटकर जनसभा में आने का न्योता दिया है। प्रधानमंत्री के सभा की पूरी व्यवस्थाएं महिलाएं संभाल रही हैं। जनसभा को लेकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और उनसे बात की है हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने, आइए सुनते हैं। जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर जी इस समय हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री 25 तारीख को आ रहे हैं। सौम्या जी, महिलाओं ने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, किस किस तरह की जिम्मेदारी संभाली है महिलाओं ने? माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि नारी शक्ति वंदन मोदी जी का अभिनंदन कर रही है हमारी महिलाएं। और यहाँ आप पंडाल में देख रहे हैं, पंडाल से लेकर यहाँ जल व्यवस्था, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और यहाँ की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे मंच की व्यवस्थाएं हो, हमारी महिलाएं हैं वो संभाल रही हैं। कल 25 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और महिला विधेयक पास होने के बाद उनका राजस्थान में प्रथम दौरा है और हम बहनों में एक अलग सा उत्साह, एक जोश है कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा है और निकट रूप से, निश्चित रूप से आने वाले निकट भविष्य में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका बढ़ने वाली है। पहली बार ऐसे कोई प्रधानमंत्री हैं जो आपके गैस चूल्हे से लेकर के आपके नीति निर्धारण तक की बात सोच रहे हैं, इसलिए उनको सुनने, उनको धन्यवाद देने जरूर पधारी। सभी तरह की जिम्मेदारी महिलाएं निभा रही हैं पूरे पांडाल के अंदर, जैसे पानी की व्यवस्था महिलाएं देख रही है और कार पार्किंग की व्यवस्था महिलाएं देख रही है, ऐसी सारी व्यवस्था जो है रहती है वो सारी महिलाओं का ही जिम्मा है। हमारी छोटी छोटी से बड़ी माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को लाना छोड़ना सारी व्यवस्था सारी महिलाएं संभाल रही है। माननीय मोदी जी का हृदय से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि उन्होंने मातृ शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पारित किया, इसके लिए माननीय मोदी जी का आभार, धन्यवाद। महिलाओं की तरफ से जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो उत्साह वर्धन मिला है, उसके लिए मोदी जी के लिए सारी बहनें तत्पर होकर काम कर रही हैं।
और ये इतिहास कि पहली बार महिला पूरी मंच किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का प्रोग्राम विश्व में, मुझे लगता है पहली बार मातृशक्ति संभालने जा रही है। परिवर्तन संकल्प महासभा जो हो रही है, ये महासभा एक महापुरुष की सभा है ये, और इसके लिए महिलाएं बहुत उत्साहित है। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। सौभाग्य हमारा मोदी जी, धन्यवाद तुम्हारा मोदी जी। ये आपने देखा कि ये महिलाएं जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं, पीले चावल डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच सकें। और इस बार खास रोचक ये है कि महिलाओं के ऊपर तमाम जिम्मेदारी दी गई है, वहां पर मंच के संचालन से लेकर वहां पर जो लोग पहुँचेंगे उनको किस तरह की सुविधा दी जाए, इस सब का जिम्मा यहाँ पर पहली बार महिलाओं को दिया गया है। कैमरामैन शारदा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़ जयपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे संवाददाता जयपुर से नीरज सिंह। नीरज सुप्रभात, प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा जयपुर का आज, और जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे उसमें हमने देखा कि आज का जो कार्यक्रम है बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की जो जनसभा है उसमें पूरी तरीके से नारी शक्ति को वंदन किया जा रहा है, और इस अधिनियम के बाद पारित होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जयपुर पधार रहे हैं, तो किस तरीके के तैयारियां की गई हैं और जो ये नारी शक्ति है वो आज किस तरीके से प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने वाली है? देखिए सुप्रभात आप दोनों को, सबसे बड़ी बात है कि ये पहली बार है कि महिलाओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो रैली स्थल है वो 42 ब्लॉक वहाँ पर बनाए गए हैं और हर ब्लॉक की जिम्मेदारी एक महिला को दी गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ऐसा पहली बार होगा कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम पिछले दो दिन से देख रहे हैं कि ये महिलाएं पीले चावल लेकर हर घर में पहुंच रही हैं ताकि प्रधानमंत्री की सभा में पहुंचने के लिए लोगों को इनवाइट कर सकें, और उसका जो असर है वो दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि महिलाओं का ये कहना था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, चाहे आप देखें उज्ज्वला को देखें, शौचालय जिस तरीके से बनाए गए, मकान जो महिलाओं के नाम किए गए, और अब इस तरीके से आप महिला आरक्षण जो बिल पास किया गया है जिसकी कह सकते हैं कि लंबे समय से महिलाओं को मांग थी और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उस मांग को पूरा नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मांग को पूरा किया। यही कारण है कि जबरदस्त उत्साह पूरे जयपुर के अंदर महिलाओं में देखने को मिल रहा है, और महिलाओं का ये कहना है कि कई लाख की संख्या में जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगी। तैयारियां पूरी हो गई हैं, कल रात हालांकि बारिश हुई थी लेकिन आज सुबह मौसम साफ है, धूप निकली हुई है, और उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे। जब प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंचेंगे तो एक ओपन जीप है और 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, दोनों तरफ जो महिला और इसके अलावा जो पुरुष है वो उनका स्वागत करेंगे और खुली जीप से प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे, तो एक जबरदस्त माहौल, एक जबरदस्त उत्साह पूरे जयपुर में देखने को मिल रहा है इस समय। बिल्कुल, पिंक सिटी जयपुर, महिलाएं बांट रही हैं पीले चावल, लेकिन जो जोश है वो बहुत हाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार बात करते हैं कि विकास जो है वो महिलाओं की अगुवाई से जुड़ा है, जिसका हमने हर बार प्रदर्शन देखा है उनकी तमाम बातों में। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज उन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है नया सवेरा में। मैं कह जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं कह जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो नया सवेरा में।
और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औपचारिक रूप से C-295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। भारत ने भारतीय वायुसेना एवरो बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबेस C-295 विमानों के अधिग्रहण को औपचारिक रूप दे दिया है। 56 C-295 विमानों के अधिग्रहण से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर यादव जुड़ गए हैं। सुधीर, रक्षा क्षेत्र को लगातार सुदृढ़ करने के लिए हम देख रहे हैं स्वदेशी को अपनाया जा रहा है, उस लिहाज से भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन जो है वो हो रहा है, और ड्रोन क्षेत्र जो है वो आने वाले समय में अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो गेम चेंजर साबित होने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, देखिए अभी पिछले साल ही जो ड्रोन पॉलिसी आई है उसके लिहाज से अगर हम देखें तो भारत पूरी दुनिया में ड्रोन के एरिया से अगर हम खासतौर पर बात करें तो उसके लीडर के तौर पर उभर रहा है। कई सारे स्टार्टअप हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और सबसे खास बात ये एक ऐसा क्षेत्र निकल कर आया है जिसमें पूरी दुनिया में हम एक लीडर के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि 2030 के आसपास दुनिया के जो सभी ड्रोन होंगे, दुनिया का हर तीसरा करीब करीब जो ड्रोन होगा वो भारत में निर्मित होगा, किसी स्टार्टअप के जरिए बनाया होगा। तो ये अपने आप में बहुत अहम है, और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज भारत ड्रोन शक्ति 2023 की शुरुआत जो हिंडन एयरबेस है वहां रक्षा मंत्री करेंगे। यहाँ कई सारे ड्रोन थे उनको दर्शाया जाएगा डिफेंस के एरियाज में, एयरोस्पेस के एरियाज में खासतौर पर बात करें। इसके अलावा एग्रीकल्चर का जो एरिया है, डिफेंस की अगर हम खासतौर पर बात करें, एनएसी का एरिया है, पाकिस्तान से सटी जो हमारी सीमा है, उन सब में किस तरीके से हम ड्रोन की मदद ले सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ दर्शाई जाएंगी। जी, साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि C-295 ट्रांसपोर्ट जो ये विमान है इसको आज इंडक्शन किया जा रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको शामिल करेंगे भारतीय वायुसेना में, सेना की ताकत बढ़ेगी, क्या है इस C-295 ट्रांसपोर्ट विमान की खासियत? बिल्कुल, देखिए मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान है, और खास बात जिस तरीके से आंचल ने कहा था कि जो एवरो फ्लीट है ब्रिटिश ओरिजिन का उसको ये रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा जो एंटोनोव 32 है जिसे हम AN-32 कहते हैं, जिसके जरिए सेना का जो ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी जो है वो की जाती है। अभी हाल ही में जब एनएसी पर जो तनाव बढ़ा था उसके दौरान जिस तरीके से मोबिलाइजेशन हुआ था उस वक्त भी ये जरूरत महसूस की गई थी कि हमारे पास जो मीडियम कैपेबिलिटी का जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है वो बेहतर होने चाहिए, उससे हमारी जो मोबिलिटी है बहुत बढ़ेगी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो एयरबस के साथ हम 56 जो विमान है उनका सौदा किया गया है, 16 जो है वो फ्लाईओवर कंडीशन में मिलेंगे। उसी का पहला जो विमान है उसको आज आधिकारिक तौर पर रक्षा मंत्री भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे, बाकी जो विमान है वो चरणबद्ध तरीके से वापस देश में आएंगे। इसके अलावा जो 40 विमान है उसको टाटा के साथ एक जो कंसोर्टियम बनाया गया उसको स्वदेश में ही निर्मित किया जाएगा। तो बिल्कुल इस विमान के आने से भारतीय सेना की जो ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी है, टेक्टिकल जो क्षमता है उसमें बहुत बेतहाशा वृद्धि होगी। बिल्कुल, और भारत की ड्रोन शक्ति 2023 से दुनिया का भी परिचय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को सुधीर हम सबसे साझा करने के लिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की जो याचिकाएं हैं उन पर आज सुनवाई होनी है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में यह सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर करेंगे। एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले पर फिर से विचार करने की अपील भी की थी। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र से इतर आर्मेनिया के अपने समकक्ष अरारत मिर्जोयान से मुलाकात की है। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि काकेक्ष में ताजा स्थिति के बारे में उनके साझा मूल्यांकन की सराहना की है। इसके साथ ही भारत और आर्मेनिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की है। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएनजीए से इतर बोस्निया और हर्जे गोविनिया
के विदेश मंत्री एल्मेडिन कानाकोविक से भी मुलाकात की। जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर हुई चर्चा में व्यापार और अर्थव्यवस्था पर फोकस रहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में मेक्सिको की अपनी समकक्ष एलिसिया बारसेना से भी भेंट की। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि व्यवसाय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और पारंपरिक चिकित्सा पर साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। जयशंकर ने साथ ही बताया कि बहुपक्षवाद में सुधार और G20 में हमारे साथ मिलकर काम करने पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया है। मैं कह जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भोलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। मैं कह जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आइए एक बार नजर डाल लेते हैं आज की सुबह की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और राजस्थान का दौरा करेंगे। भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ में पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का करेंगे उद्घाटन। परिवहन विमान C-295 को वायुसेना में औपचारिक रूप से करेंगे शामिल। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर करेंगे सुनवाई। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होनी है सुनवाई। नासा के अंतरिक्ष कैप्सूल ओसिरिस रेक्स ने रचा इतिहास। 7 साल बाद एस्टेरॉयड बेननू से नमूना लेकर धरती पर उतरा। 4.5 अरब साल पुराने नमूने का नासा करेगा अध्ययन। एशियाई खेलों के दूसरे दिन भारत ने जीता पहला स्वर्ण पदक। पुरुष के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में देवांश पवार, रुद्रांश पाटिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की तिकड़ी ने जीता स्वर्ण। रोइंग के मेंस 14 ने जीता कांस्य पदक। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बारिश से बाधे दूसरे वनडे मैच में 99 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज में ली 2-0 की बढ़त। और अब बारी हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों से जुड़ी हुई। और हमारे साथ अखबारों की सुर्खियां लेकर हाजिर है हमारी सहयोगी रेशमा फारूकी। रेशमा, क्या कुछ है आपके पिटारे में अखबारों के जगत से? अचल और भावना, सुप्रभात। और जब बात होती है समाचार पत्रों की तो वैसे तो हमारे बुलेटिन में बहुत सारी खबरें होती ही हैं, लेकिन अगर कुछ हटकर बात करें और शुरुआत करते हैं राजधानी नई दिल्ली की खबरों के साथ।
और सुर्खियों में ये जगह जिन खास सुर्खियों को दी गई है, उपराज्यपाल ने सड़कों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई है और कहा है कि नगर निकाय तुरंत इस पर साफ सफाई शुरू कर दे। और यहाँ हम ये भी बताना चाहेंगे कि उपराज्यपाल ने शास्त्री पार्क, मानसरोवर पार्क और श्यामलाल कॉलेज कड़काडूमा और साथ में सूरजमल पार्क और दिलशाद गार्डन जैसे इलाकों का निरीक्षण किया है और बहुत सख्त चेतावनी दी है कि बहुत जल्द यहाँ साफ सफाई का जो कार्यक्रम है उसे शुरू किया जाए, क्योंकि स्वच्छता ही हमारा पहला धर्म हो जाता है। और अगर कुछ और सुर्खियों की बात करें तो दूसरी सुर्खियां भी हमने इसी अखबार से ली हैं। मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई, पुणे में कई जिलों में अब येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वहाँ महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, इसीलिए वहाँ 24 घंटे से जो बारिश है इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब आइए बात कर लेते हैं एशियाई खेलों की, जिसे कई अखबारों ने अपनी सुर्खियों में जगह दी है। निशानेबाजी और नौकायन में भारत ने जीते 5 पदक और पहले दिन भारतीयों का प्रदर्शन अच्छा रहा। भारत 3 रजत और 2 कांस्य के साथ तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। और बुलेटिन में अभी हमने देखा भी था कि एशियाई खेलों में भारत ने कांस्य पदक भी जीत लिया है, ये अपडेट है। और इसके अलावा अगर हम अखबारों की बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को 16-0 से रौंद दिया है और निखत का जीत के आगाज क्वार्टर फाइनल में पहुंची प्रीति। और कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। गांधी जयंती, जी हाँ, गांधी जयंती आ रही है 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर बापू को अर्पित करें स्वच्छांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार सुबह 10 बजे नागरिकों के नेतृत्व में स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान का राष्ट्रीय आह्वान किया गया है। और वाकई स्वच्छता बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि स्वच्छता के बिना कोई कार्यक्रम अच्छा नहीं रहता है और 2 अक्टूबर का मौका भी है, लिहाजा स्वच्छता का हम सबको बहुत ख्याल भी रखना चाहिए। और कुछ और अखबारों की तरफ नज़र डाल लेते हैं और बात कर लेते हैं अमित शाह की। और बता दें आपको कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जल्द न्याय के लिए मोदी सरकार कुछ नए कानून ला रही है और वकीलों से उन्होंने सुझाव देने की भी बात की है ताकि सर्वश्रेष्ठ कानून बनाए जा सके। और अब कुछ और खबरें जो कि ज़रा हटकर हो जाती हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। कई अखबारों ने इसको अपनी सुर्खियों में जगह दी है। भारत से बाहर विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को किया गया है। और आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि देश विदेश की जो खबरें हैं वो भी खास हो जाती हैं। अभी अमित शाह को अभी हमने देखा कि न्याय के लिए बात कर रहे थे कि मोदी सरकार जो नए कानून ला रही है वो काफ़ी सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वकीलों के भी सुझाव शामिल हो जाते हैं ताकि एक बेहतर समाज बन सके। और एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि भारत से बाहर विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को किया जाएगा। न्यू जर्सी के जो वहाँ पर एक ख़ास जगह है, 12 वर्ष में बनकर तैयार हुआ है ये मंदिर, जो बेहद खास है और दिखने में भी बेहद सुंदर इसे बताया जा रहा है। और जो भारत की संस्कृति है वो भी इस मंदिर में काफी हद तक हमें नजर आ सकती है। सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन ये 8 अक्टूबर को किया जाएगा न्यू जर्सी में। और अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। भारत से बाहर विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को, जैसे अभी हमने बताया। और साथ में BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम ने इसका निर्माण किया है और ये बेहद खास हो जाता है। ये मंदिर भारत के बाहर आधुनिक समय में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन ये न्यू जर्सी में किया जा रहा है 8 अक्टूबर को। और इसके बाद एक और ख़बर आपको हम दिखा देते हैं, वो भी खबर बेहद ख़ास हो जाती है। यूनेस्को विश्व विरासत की संभावित सूची में भारत के 50 स्थल बताए जा रहे हैं और ये एक अच्छी खबर हो जाती है भारत के लिए कि यूनेस्को ने विश्व विरासत की जो सूची जारी की है उसमें भारत के 50 स्थल उसमें शामिल किए गए हैं। और गौरवान्वित की करने की बात है, इसमें दिल्ली के कई ऐतिहासिक क्षेत्र भी शामिल हैं और साथ ही शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल हाल में ये इसको शामिल किया गया है। और साथ में शांति निकेतन की जो बात हो रही है ये बेहद खास हो जाता है। भारत विविध प्रकार की विरासत स्थलों का घर है जिसमें कुछ को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। तो ये कुछ खास खबरें थी जिसे हमने अखबार से लिया था, जो बेहद खास हो जाती हैं और हमारे बुलेटिन से भी हटकर कुछ खास खबरें आज हमने शामिल करने की बिल्कुल रेशमा बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखबारों की सुर्खियों को की समीक्षा करने के लिए। और जो जो मेन खबरें प्रकाशित हुई हैं अखबारों में उनको हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल वक्त हो चला है दुनिया भर की कुछ खास खबरें देखने का फटाफट अंदाज में।
और अब नासा से जुड़ी खबर है। नासा के ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड बेननू का सैंपल लेकर पृथ्वी पर उतर चुका है। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग भारतीय समय अनुसार कल रात 8:22 पर अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में हुई है। नासा ने कहा कि कैप्सूल अच्छी हालात में दिख रहा है। यह अपनी हीट शील्ड पर नुकीले भाग की ओर से धरती पर टिका हुआ है। जब यह कैप्सूल पृथ्वी की वायुमंडल में घुसा तो इसकी स्पीड बंदूक से निकली गोली से 15 गुना तेज थी। नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन को 7 साल पहले लॉन्च किया गया था। ओसिरिस रेक्स जो नमूने लेकर उतरा है वे अंतरिक्ष चट्टान के 4.6 अरब वर्ष पुराने टुकड़े हैं, जो न केवल इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि ग्रह कैसे बने बल्कि जीवन कैसे शुरू हुआ। नासा के वैज्ञानिक जिस धूल और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को देखने के लिए उत्सुक हैं, उन्हें बांटकर दुनिया भर के शोधकर्ताओं को भेजा जाएगा। ओसिरिस रेक्स मिशन टीम के पास सबसे बड़ा हिस्सा पहुंचाएगा। खबर फ्रांस से, जिसने कहा कि वो पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में जुलाई में हुए तख्ता पलट के बाद अपने सैनिकों को वहां से हटा लेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि साल के अंत तक 1500 सैनिक पीछे हट जाएंगे। कई हफ्तों तक जुंटा के दबाव और प्रदर्शनों के बाद फ्रांस की विदाई हुई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने जुंटा को नाइजर के वैध अधिकार के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि पेरिस तख्ता पलट करने वाले नेताओं के साथ सेना की वापसी का समन्वय करेगा। वहीं कोसोवो में करीब 30 हथियारबंद लड़ाकों ने सर्बिया की सीमा के पास स्थित एक गांव में हमला कर दिया है। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी और 3 बंदूकधारी मारे गए हैं। कोसोवो पुलिस ने मोनेस्ट्री में इन हमलावरों को घेर लिया। प्रधानमंत्री एल्बिन कुर्ती ने बंदूकधारियों से समर्पण करने की अपील की है। उन्होंने इस हमले के लिए सर्बिया के समर्थन प्राप्त अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया है। यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कोसोवो की पुलिस पर करीब 30 हथियारबंद लड़ाकों के हमलों को घृणित बताते हुए निंदा की है। इन आरोपों पर सर्बिया की ओर से कोई बयान नहीं आया है। खबरें कारोबार जगत से फटाफट अंदाज में। ग्रेटर नोएडा में मोटोजीपी रेस से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के अलावा लगभग 1000 करोड़ रुपए के आर्थिक अवसर आए हैं। राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने आज कहा कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी और मोटोजीपी के सफल आयोजन के साथ उत्तर प्रदेश ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की हैट्रिक लगाई है। त्रिपुरा राज्य बिजली निगम लिमिटेड ने बिजली शुल्क में औसतन 5-7% की वृद्धि की। उन्होंने बताया कि नई दरें 1 अक्टूबर से होंगी प्रभावी। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की योजना, भारत में अगले 5 साल में उत्पादन 5 गुना से अधिक बढ़ाकर लगभग 3.32 लाख करोड़ रुपए करने की है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 7 अरब अमेरिकी डॉलर के उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है। विशेषज्ञों ने कहा कि एमएसएमई के संबंध में G20 की नई दिल्ली घोषणा में की गई प्रतिबद्धताओं का सदस्य देशों को पालन करना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और सतत वृद्धि को बढ़ावा देने की अपार क्षमता है। और अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से। बात एशियाई खेलों की, चीन के हांगजू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों ने भारत में पहला स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेलों के दूसरे दिन शूटिंग में भारत ने गोल्ड जीतने में सफलता हासिल की। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्रकेश पाटिल, दिव्यांश पवार की तिकड़ी ने 10 मीटर पुरुष राइफल टीम का ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। टीम इंडिया ने चीन के 189.3 अंकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 1893.7 अंक हासिल कर ये पदक जीतने में सफलता पाई। उन्नीसवीं एशियाई खेलों में रोइंग पुरुष 4 स्पर्धा में भारतीय टीम ने फाइनल में 6:10.81 के समय के साथ कांस्य पदक जीत लिया है। भारत की ओर से जसविंदर, भीम, पुनीत और आशीष द्वारा शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है।
19वें एशियाई खेलों में भारत ने आज का रोइंग का दूसरा पदक जीत लिया है। पुरुषों की क्वाड स्कल्प स्पर्धा में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। बात क्रिकेट की, इंदौर में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 99 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 400 रन का लक्ष्य रखा। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और प्रसिद्ध कृष्णा ने मैथ्यू शॉट और स्टीव स्मिथ को आउट कर भारत को शुरुआती सफलता दिलाई। ऑस्ट्रेलिया की पारी के 9 ओवर ही हुए कि तभी बारिश के कारण खेल को रोकना पड़ा। दोबारा खेल शुरू होने पर ऑस्ट्रेलिया को 33 ओवर में 317 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। इसके बाद आर अश्विन ने लाबुशवान को 27, डेविड वॉर्नर को 53 और जोश इंग्लिस को 6 रन पर आउट किया। इसके बाद अबॉट को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पाया। पूरी टीम 217 रन पर आउट हुई। सीन अबॉट ने 54 रन बनाए। भारत की तरफ से जडेजा और अश्विन ने 3-3 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। वक्त एक थोड़े से ब्रेक का। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटेड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटेड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और जिस तरह से भारत एशियाई खेलों में जो नीस में चल रहे हैं, चीन के होंगजू में लगातार परचम लहरा रहा है, इसी पर बात करने के लिए वहीं से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार। गौरव, लगातार हम देख रहे हैं कि भारत पहला जो स्वर्ण है और अब कांस्य पदक, लगातार पदकों की तालिका में अपना परचम लहरा रहा है। खिलाड़ियों का जो ये प्रदर्शन है, ये उत्साह देता है हम सभी भारतीयों को। जाहिर तौर पर इसमें कोई शक नहीं है अचल, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस कल हमने देखा कि जिस तरह से 5 मेडल आ गए, उसके बाद आज जो है वो 2 मेडल अब तक आ चुके हैं, जिसमें से गोल्ड जो है वो हमने देखा कि किस तरह से शूटिंग में जो है वो गोल्ड आया टीम इवेंट में, 10 मीटर एयर राइफल मेंस के इवेंट में। तो ये सब बातें जो है वो इस बात की ओर दर्शा रही है कि हमने साल दर साल हर साल के हिसाब से अपने आप को एक नए सिरे से सामने रखा है, साथ ही साथ हर साल में हमने एक नए जो खेल है उनमें भी खुद को आगे बढ़ाया है। क्योंकि इस बार का अगर एशियन गेम्स को उठा करके देखें तो इस बार के एशियन गेम्स में ई स्पोर्ट को शामिल किया गया है, जहां पर भारतीय खिलाड़ी जो है वो वहां पे भी ई स्पोर्ट्स में भी अपना दमखम दिखाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो शतरंज के खेल जो है उसने 13 साल के बाद वापसी की है, जहां पर भारत की एक बड़ी प्रतिभा जो है वो सामने होंगी। हम जानते हैं कि आर प्रज्ञानंदा ने किस तरह से विश्व स्तर पर अपना नाम कमाया शतरंज में, तो वो जब यहां पर उतरेंगे तो यहां पर एक मेडल की जो संभावना है वो जरूर रहेगी, और खासतौर से गोल्ड मेडल जो है वो बनता हुआ तस्वीर जो है वो दिखाई देगी। लेकिन अगर आज के इवेंट की, अगर शूटिंग के इवेंट की बात करें, तो जाहिर तौर पर दिव्यांग सिंह पवार और जिस तरह से टीम इवेंट में इन्होंने मेडल हासिल किया,
वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि भारत ने अपने खेल को जो निशानेबाजी हो चाहे दूसरे अन्य खेल हो उनमें अपनी रिदम को हमेशा बरकरार रखा है और मेडल्स की जो जो गोल्ड मेडल जीतने की जो ललक है उसको बनाकर रखा है और यही नतीजा है कि गेम्स शुरू होने के महज कुछ ही दिनों के अंदर भारत ने जो है वो अपना गोल्ड मेडल का जो है वो खाता जो है वो खोल लिया है। लास्ट टाइम जो जकार्ता में एशियन गेम्स आयोजित हुए थे वहां 16 गोल्ड मेडल जीते थे तो इस बार संभावना यही जताई जा रही है क्योंकि कुछ नए गेम्स ऐड हुए हैं, नई प्रतिभाएं जो हैं वो निकल करके सामने आई हैं और पहले से ज्यादा हमने हर खेल में खुद को आगे बढ़ाया है तो यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि मेडल का जो आंकड़ा है वो आगे बढ़कर निकलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो लगातार इन 19वें एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन होता दिख रहा है और स्वर्ण पदक के साथ हमने जो है स्वर्ण पदक जो खाता है गोल्ड मेडल का खाता वो भी अब खोल लिया है और अब वक्त हो चला है सिने जगत से जुड़ी खबरों को देखने का फटाफट अंदाज में। राघव शेट्टी और परिणीति चोपड़ा शादी के बंधन में बन चुके हैं। आप दोनों की शादी की पहली तस्वीर सामने आई, सोशल मीडिया पर ये फोटो तेजी से ट्रेंड और वायरल हो गया। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस ने महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि अगला कदम इसका त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन होगा। कुछ दिन पहले संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित किया गया था। सुपरस्टार शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान भारत में सबसे तेज 500 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। फिल्म ने यह कारनामा सिर्फ 18 दिनों में किया। महानायक अमिताभ बच्चन, टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की आगामी फिल्म गणपत की टीजर 27 सितंबर को जारी होगा। फिल्म सिनेमाघरों में 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज होगी। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज का ट्रेलर हुआ रिलीज, फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। और अब बात करते हैं आज के योग सूत्र से जुड़ी हुई। और आज के योग सूत्र में आप जानेंगे गौमुख आसन के बारे में और इस आसन से क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जाता है, शांत होता है मन और कैसे करते हैं ये आसन, ये बता रही हैं आज की आचार्य प्रतिष्ठा। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। कौन नहीं चाहता कि मेरा क्रोध पर नियंत्रण हो, कौन नहीं चाहता कि मेरे अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन जाए, कौन नहीं चाहता कि मैं शांत रहूं। लेकिन हमें गुस्सा बहुत आता है, हम क्रोध बहुत करते हैं और जैसे ही हम क्रोध करते हैं हमारे लंग्स की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, हमारे फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। आपने देखा होगा जैसे ही आप गुस्से में आते हैं आपकी सांस बहुत तेज़ गति से चलने लगती है। क्यों? क्योंकि क्रोध आपकी फेफड़ों की क्षमता को रिड्यूस करता है। आज हम सीखेंगे एक ऐसा योगाभ्यास जो आपके फेफड़ों की क्षमता को इंस्टेंटली बढ़ाता है। विशेष रूप से हाल ही में पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से निकला है और हमने देखा कि सांस कितनी ज़रूरी है। हमने देखा कि एक ऐसा वायरस जो सीधा सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफ़ेक्ट कर रहा था, तो ऐसे में शांति बनाए रखना, मन का संतुलन और फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाना, अगर ये प्राकृतिक तरीके से हम सीख लें तो सोचिए आप कितने धनवान बन जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा नियंत्रण अपने ऊपर होगा, अपनी श्वास पर, अपने क्रोध पर, अपनी भावनाओं पर और अपने शरीर पर। तो हम करेंगे गोमुख आसन का अभ्यास। यथा नाम तथा गुणा। गो का अर्थ होता है इंद्रियां, मुख यानी इंद्रियों का मुंह। तो ये हमें हमारी सेंसेस को कंट्रोल करना सिखाता है। गो का एक और मतलब होता है गाय और मुख यानी गाय का मुंह। तो इसमें हमारे पैरों की आकृति गाय के मुंह जैसी बन जाती है। गाय का स्वभाव है शांत, गाय कभी क्रोधित नहीं होती, गुस्सा नहीं करती है, वो शांत जीव है। इसीलिए ये आपको शांति देता है, आपके क्रोध को दूर करता है और आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या लंग से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो गोमुख आसन उसका रामबाण है। कैसे करना है गोमुख आसन, आइए सीखते हैं। गोमुख आसन के लिए हम इस प्रकार से पैरों को सामने की ओर फैला देते हैं। पैर सामने की ओर फैले हुए हैं और अपने
लेफ्ट पैर को ऐसे फोल्ड करना कि वो राइट, आपकी लेफ्ट एड़ी आपके राइट हिप को छू जाए। राइट पैर को ऐसे फोल्ड करना कि राइट एड़ी लेफ्ट हिप को छू जाए और एक के ऊपर दूसरा पैर आ गया है, हमारे पैरों की स्थिति गाय के मुंह जैसी स्थिति बन गई है। अब जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से पीछे जाएगा और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से पीछे जाएगा और पीछे जाकर दोनों हाथों को आप मिला देंगे। इसको एक बार आप पीछे से भी देखिए, ये ज़रूरी है कि आप इसकी स्थिति को पीछे से भी देखें ताकि आपको क्लैरिटी हो कि हमें इसका अभ्यास कैसे करना है। तो इस प्रकार से आप बैक में इस तरह बैठे हैं और दोनों हाथों को आपस में मिला दिया। हो सकता है कुछ साधक यहीं तक मिला पाए, हो सकता है कुछ यहीं तक ले जाएं, ठीक है, बट कमर को नहीं झुकाना, कमर सीधी रहेगी और इस अवस्था में आप बैठ जाएंगे। कमर बिल्कुल सीधी है और अब इसे आप फ्रंट से फिर से देखिए कि हमारे फेफड़ों का जो एक्सपेंशन है, जो सीने का उन्नत होना है, वो महत्वपूर्ण है। तो ऐसा करने के लिए ऐसे झुकना नहीं है आपको, आपको बिल्कुल सीधा रहना है। चेस्ट का एक्सपेंशन है, आंखों को बंद कर लेंगे, 5 बार लंबा गहरा सांस फाइनल अवस्था में लेंगे। ऐसा 5 बार करना, हाथों को वापस ले आएंगे और इसी अवस्था में रिलैक्स करेंगे। पहले ज़माने में जब टेबल चेयर नहीं हुआ करती थी तो ये हमारा नेचुरल टेबल चेयर हुआ करता था, यानी इसके ऊपर हम भी बचपन में इसी तरह से पड़े हैं। ऐसे आप पढ़ाई करें तो आपकी गर्दन और कमर की जो समस्या झुक के पढ़ने से होती है वो भी नहीं होगी। ये आसन बहुत बहुत लाभकारी है। इसी को हम दूसरी तरफ से दोहराते हैं, यानी पैरों की स्थिति परिवर्तित कर लेते हैं और पैरों की स्थिति परिवर्तित होते ही हाथों की भी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। 5 बार लंबा गहरा श्वास फाइनल स्थिति में लेना और फिर अपने हाथों को वापस ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स होने के लिए हम क्या करते हैं, पैरों को सामने फैला देते हैं, हाथों को पीछे टिका देते हैं, गर्दन को भी ढीला छोड़ देते हैं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। गोमुख आसन का अभ्यास भी आप 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं, प्रतिदिन इसका अभ्यास कर सकते हैं, निरापद क्रिया है, सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। और आइए देखते हैं मौसम का हाल क्या है आपके शहर में। और नया सवेरा के संक में आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ दिए जाते हैं अमेरिका के न्यू जर्सी में बन रहे एक ऐसे मंदिर की सुंदर झलकियों के साथ। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है जिसका उद्घाटन 5 अक्टूबर को किया जाएगा। आप इन दृश्यों का आनंद उठाइए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।